नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वादे किए वो पूरे नहीं हुए। अब सरकार ने बोले थे भाई हर राज्य में आप आदर्श गांव के पैसे देते हैं जी, आप एक आदर्श गांव बना के बताइए। तो आज जो सांसदों को पैसे दिए या वो काम हुआ या नहीं हुआ, तो आज किसी सांसद ने आदर्श गांव नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आज एक गांव भी देश में बना लेते ना तो पूरा विश्व देखने आता। यहाँ पर पूरा इंडिया नहीं, पूरा विश्व भारत में देखने आता। तो मेरा मुद्दा है गांव बनाओ, शहर बनाओ, मेरी गरीबी मुक्त करो देश। तो उस मुद्दे पे मैं शर्मा है अहमदाबाद, मेरा नाम मनोज शर्मा है, अहमदाबाद गुजरात से। ये बताइए आप किस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे, कौन सी सीट से? अब मेरा किसी अन्य लीडरों के साथ नहीं रहेगा। जहाँ से भी मोदी जी लड़ेंगे जी, उसके सामने ही। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आज मैं सीपी व्यास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 15 साल मैंने IAS की सर्विस की है राजस्थान कैडर में। उसको रिजाइन करके मैंने ये इंडियन मुस्लिम पार्टी बनाई और उद्देश्य हमारा ये है कि अभी तक जितनी भी पार्टियाँ रही उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी वजह से मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है करप्ट सिस्टम की वजह से। और आज से जो है हम अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2019। सर इतने बड़े पद को आपने त्याग के एक राजनीति में कदम रखने की एक पहल की, उस विषय में क्या कहना है? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो करप्शन है उस पर मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि स्टेट का मुखिया जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं अगर वो चाहे तो 90% करप्शन 24 घंटे में खत्म हो सकता है, सिर्फ IAS IPS की पोस्टिंग का पैसा ना ले उसी से। तो इसी करप्ट सिस्टम की वजह से मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और ये सिस्टम को दुरुस्त करना है। सर लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडे हमारे सबसे पहले तो बेरोजगारी का ही है, क्योंकि अभी तक जो पार्टियां चली हैं और जब से BJP आई है तब से 91% गवर्नमेंट सर्विसेज में डाउनफॉल आया है। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 69% बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आते हैं वो नौकरी के लायक नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम सब एजेंडों को लेकर के चल रहे हैं और अभी सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी। कितनी सीटों पे सर आप प्रत्याशियों को उतारेंगे या गठबंधन करेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन किसी से भी नहीं होगा। गठबंधन करना होगा, बहुत पार्टियों ने मुझे ऑफर दिया है राज्यसभा तक का, जो आपके UP में दोनों रूलिंग में रही हैं उन्होंने भी ऑफर दिया। तो गठबंधन किसी से भी नहीं होगा, इंडिविजुअल बेस पे अपनी पार्टी पावर में आएगी। कितनी सीटों पे प्रत्याशी? हम ऑल ओवर इंडिया लड़वा रहे हैं, 525 सीटों का टारगेट है।